नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी है, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ खास करके उनके लिए है जिनके घर में बच्चों का पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा हो, घर में बच्चे शादी के लायक हो गए हो लेकिन शादी नहीं हो रही हो, कहीं पर भी बात करने पर कुछ दिन बात चलती है और फिर सामने से मना आ जाती है या होती हुई बात रुक जाती हो, दांपत्य जीवन को लेकर के टेंशन हो, तकलीफें हो, घर में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं हो रहा हो, अंडरस्टैंडिंग कम हो लोगों के बीच में, जो फैमिली के मेंबर्स है। कितनी बार ऐसा होता है कि बात, मैंने खुद ने देखा है कि कई फैमिलीज में बात एक ही है, एक ही व्यक्ति वो भी वही बोल रहा है लेकिन शब्द अलग अलग है और एक दूसरे की बात को बिल्कुल भी समझना नहीं चाहते। जब आपका ज्ञान गहरा होगा, गुरु की आपके ऊपर कृपा होगी तो घर में सुमति आती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति होती है घर के तमाम मेंबर्स एक जैसा सोचते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, वहाँ नाना प्रकार की संपत्ति का वास होता है, है? तो दोस्तों, ये उपाय करने से जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर होगी, परिवार के मेंबर्स के बीच में ज्ञान बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे की बात को अच्छे से समझने की शक्ति बढ़ेगी। जब व्यक्ति के गुरु मजबूत बनते हैं तो व्यक्ति की लाइफ बहुत ही रिस्पेक्टेड होती है, हर व्यक्ति आपकी इज्जत करता है। आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिनकी वजह से आपकी इज्जत बढ़ती है, मान सम्मान मिलता है। राहु आपको परेशान नहीं करेगा, कोई भी तकलीफ आपको लंबा टाइम परेशान नहीं कर सकती यदि आपके गुरु मजबूत हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि कुंडली में अगर एक ग्रह सिर्फ गुरु ही मजबूत बैठा है, कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस चीज को जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ दोस्तों, गुरुवार के दिन ला सकते हैं, पूनम के दिन ला सकते हैं। जब भी गुरु पुष्य नक्षत्र आता है या रवि पुष्य नक्षत्र हो तब आप इस चीज को घर में लाएं, या फिर कभी भी ला करके जैसे रखते हैं, इनमें से कोई भी दिन आता है उस दिन आप इसकी पूजा करें और उसके बाद में आप इसी चीज का उपयोग करें जहां जहां मैं आपको बता रही हूँ। आप देखेंगे आपकी जिंदगी चमक उठेगी। जानकारी अच्छी लग जाए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कर दें। मुझसे बात करने के लिए सिर्फ उसी नंबर को डायल करें जो चालू वीडियो में फ्लैश हो रहा है। कॉलिंग बहुत ज्यादा प्रमाण में होने की वजह से दोस्तों माइनर सी फीस लगा दी गई है, फीस दें उसके बाद में आप अपॉइंटमेंट लें और सीधे सीधे वीडियो कॉल पर मुझसे बात करें। ये चीज है दोस्तों हल्दी की माला जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आपको ये चीज लानी है अपने घर में। हल्दी की माला अगर आपके घर में है तो व्यक्ति के तमाम काम सिद्ध होने लग जाते हैं। कुछ लोग पीले धागे में पिरो करके हल्दी की माला घर पे भी बना लेते हैं, कुछ लोग तैयार हल्दी की माला मंगवा करके और घर में रखते हैं। हल्दी की माला घर में रखें, पहले आप इसकी पूजा कर लें। यदि आपके पास अभिमंत्रित तो माला है तब तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास अभिमंत्रित की गई माला नहीं है, करंट की गई माला नहीं है, तो फिर पहले आप उसे करंट कर लें, उसे लाइव कर लें गुरु मंत्र से, और उसके बाद में आप हर गुरुवार भगवान विष्णु के आगे घी का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, आप उन गुरु बृहस्पति की भी फोटो रख सकते हैं, गुरु दत्तात्रेय की फोटो भी रख सकते हैं, और इसी हल्दी की माला से आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें। तीन माला हर गुरुवार करें, साथ में
ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, एक एक माला इन मंत्रों की करें। दोस्तों, जिंदगी में आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हैं। कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर काम नहीं करेगा। ये माला यदि आप गुरुवार के दिन जहां पर भी मंदिर हो, भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का मंदिर हो, सत्यनारायण भगवान का मंदिर हो, आप इस माला को लेकर के जाएं। यदि बहुत ज्यादा परेशानी हो गुरु से तो आप इसको लेकर के जाएं, पीतल की थाली में रखें, इसके ऊपर हल्दी चढ़ा दें, थोड़े से पीले फूल और पीली मिठाई लेकर के जाएं और जाकर के भगवान नारायण का जो भी स्वरूप हो, सत्यनारायण भगवान हो, विष्णु भगवान हो, रामचंद्र जी हो, कृष्ण जी का मंदिर हो, जा करके पीली माला उन्हें चढ़वा दे पंडित के हाथ से या खुद चढ़ा दे, लड्डू का भोग उन्हें लगा दे, गाय के घी का एक दीपक जला दे, महाराज से कहे कि ये माला भले एक दिन के लिए रहने दे लेकिन मूर्ति के ऊपर चढ़ी हुई रहने दे। आप अपने घर में भी ये क्रिया कर सकते हैं, फोटो या मूर्ति के ऊपर इस माला को चढ़ा करके रख सकते हैं। आप देखेंगे आपके गुरु जबरदस्त मजबूत बनेंगे। गुरुवार के दिन पीले कलर के कपड़े पहने और कोशिश करें गुरुवार के दिन फास्ट करने की। नहीं कर सकते हैं तो भी दोस्तों, हर गुरुवार ओम ब्रह्म बृहस्पति नमो मंत्र का जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जाप करें। आपने सोचा नहीं होगा इतना आपको लाभ मिलेगा। करके कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिए अवश्य। जैसे